तो दोस्तों, शिबा इनू के लिए हम में से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 की बुल रैली में यहाँ पर एंटर हुए हैं और तब से अब तक लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में इसको इन्हें अच्छा खासा बुलिश मोड दिखाया था, जिसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स इस कॉइन को होल्ड करके बैठे हुए हैं वो इस समय पूरी तरह से लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर देखे तो 95% ऐसे होल्डर्स है जो इस समय लॉस में चल रहे हैं, पूरी तरह से उनका पोर्टफोलियो इस समय डाउन चल रहा है। लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 62% होल्डर्स है जो मैं पूरी तरह से लॉस में है। ये 62% होल्डर्स वो होल्डर्स है जो यहाँ पर 2-3 साल से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं शिबा इनू कॉइन में और इस कॉइन के 1 रुपए जाने का वेट कर रहे हैं। यानी कि 2-3 साल पहले जब मार्केट में शिबा इनू कॉइन ऑलमोस्ट अपने प्राइस में 6-7 जीरो लगाता नजर आ रहा था, उस समय काफी सारे इन्वेस्टर्स ने, मैंने खुद ने यहाँ पर इस कॉइन में इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इस समय मेरा पोर्टफोलियो भी यहाँ पर शिबा इनू के लिए लॉस में चल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें बाकी 33% लोगों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 30% होल्डर्स है उन्होंने पिछले 12 महीनों के अंदर यहाँ पर एंट्री ली है शिबा इनू कॉइन में और वो भी इस समय लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 महीने की ग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 से लेकर 2023 तक का ग्राफ पूरी तरह से डाउन होता ही दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें बाकी 3% लोगों की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 से कम महीने के अंदर इस कॉइन में इन्वेस्ट किया शिबा इनू में, और यहाँ पर वो लोग भी अब थोड़े बहुत लॉस में चल रहे हैं। हालांकि पिछले 1 महीने के ग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा यहाँ पर पंप देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से अब तक 1-2% तक ग्रीन हो चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स लॉस में चल रहे हैं, कब तक हमें अपना पोर्टफोलियो ग्रीन होता दिखाई देगा, कब तक यहाँ पर शिबा इनू के 62% होल्डर्स को प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कितने समय के अंदर शिबा इनू कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जाता दिखाई दे सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू यानी कि शिब के बारे में। सबसे पहले करंटली अगर हम देखें तो ये कॉइन अपने प्राइस में 3-0 लगाता हुआ 9 की सीरीज पर चल रहा है। पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 0.28% का ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में हमें ऑलमोस्ट 1.03% की ग्रोथ पिछले 24 आवर्स के अंदर दिख चुकी है, और यहाँ पर मार्केट में शिबा इनू कॉइन अब धीरे धीरे रिकवर करता नजर आ रहा है। मार्केट अब पूरी तरह से स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन जिसके कारण मार्केट गिरा हुआ था, यहाँ पर वो फिर से स्टेबल होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 62% होल्डर्स इस समय लॉस में चल रहे हैं शिबा इनू के, और यहाँ पर कब तक हमें अपने पोर्टफोलियो में शिबा इनू कॉइन प्रॉफिट देता नजर आने वाला है। क्लियरली अगर हम देखें तो यहाँ पर हम में से काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2021 की बुल रैली में इस कॉइन में इन्वेस्ट किया, जब ये कॉइन अपने प्राइस में 2-0 लगाया करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.007% का इस कॉइन का ऑल टाइम हाई है, और इस समय कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 86% से नीचे चल रहा है। केवल 2 महीने पहले हमें चैन की राहत मिली थी जब ये कॉइन 0.001 रुपीज को टच कर गया था और केवल अपने ऑल टाइम हाई से 3-4 डिजिट की दूरी बनाकर बैठा था। वहीं पर आज के डेट में ये कॉइन फिर से अपने प्राइस में 3-0 लगाता नजर आ रहा है। प्रेडिक्शंस काफी सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यही कहना है कि जब तक मार्केट में हमें बुल रन देखने को नहीं मिलेगा, शिबा इनू से एक बड़ी बुल रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें पिछले 1 साल के अंदर लॉन्च होती दिखाई दी शिबा इनू के इकोसिस्टम में, जहां पर ये जो आप फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं ये उन्हीं चीजों के कारण हमें देखने को मिले हैं। शिबेरियम लॉन्च किया गया था, शिबा इटर्निटी को लॉन्च किया गया, शिबा स्वैप को लॉन्च किया गया, शिबोशीस एनएफटीज और मेटावर्स में यहाँ पर एंट्री ली गई, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पिछले 1 साल के अंदर हमें देखने को मिली है। लेकिन इन सारी चीजों के लॉन्च के बावजूद यहाँ पर इसके प्राइस में हमें कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली, जहाँ पर इस कॉइन का प्राइस एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन तो दिखा पाया लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं जा पाया है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जब तक मार्केट में हमें बुल रन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी अपडेट इस कॉइन को अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं ले जा पाएगी। एट मोस्ट 30-40% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन हम किसी भी अपडेट से यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। वहीं पर रीसेंट अपडेट्स की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर शिबा इनू के लीड डेवलपर ने एक हिंट दे दी है कि शिबा स्वैप 2.0 वर्जन लॉन्च हो सकता है। अब इसके लॉन्च में भी हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि ये कॉइन अपने 1-0 क्विल करके 0.007 रुपीज के अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा, वो सब यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। ये तभी होगा जब मार्केट में हमें बुल रन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिबा इनू के जो लीड डेवलपर है
उनके नाम से यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स कॉइन बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुसामा ने यहाँ पर अपने नाम से किसी भी कॉइन को लॉन्च करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि शिबेरियम का खुद का भी अपना कोई ऑफिशियल टोकन नहीं है, शिबेरियम एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है, उसके अलावा कुछ नहीं, #ShibArmy। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर ये भी है कि शिबा इनू ने मार्केट कैप के मामले में यहाँ पर ट्रॉन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर 35x% का सर्ज हमें इसके मार्केट कैप में देखने को मिला है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल था। इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि शिबेरियम के लॉन्च के कारण ही ये पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बर्निंग हो रही है, बर्न रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है, मार्केट में हमें एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है शिबा इनू से रिलेटेड, यहाँ पर इन सारी चीजों के कारण ही शिबा इनू इस तरह का डेवलपमेंट दिखा पा रहा है। वहीं पर रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर शिबा इनू में 3.48 trillion का इन्वेस्टमेंट किया गया है एक अननोन इन्वेस्टर की तरफ से, जहाँ पर अब 30 लार्जेस्ट होल्डर्स और न्यूली बोर्न व्हेल्स भी इस कॉइन में एंट्री लेना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी तरह ही 62% होल्डर्स में से एक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुलरन का यहाँ पर वेट करना होगा। जब तक मार्केट में बुलरन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं जाता दिखाई देने वाला है। मार्केट में हमने कई सारी अपडेट्स देखी है शिबा इनू से रिलेटेड, जहाँ पर कई सारी चीजों को यहाँ पर लॉन्च किया गया। शिबेरियम से एक्सपेक्टेड था कि ये कॉइन 1 रुपए तक जाता दिखाई देगा, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर क्लियरली जब तक मार्केट में एक्सपोर्ट्स के हिसाब से बुलरन नहीं आ जाता, ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से आगे नहीं जाता दिखाई देने वाला। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको इस वीडियो ने शिबा इनू से रिलेटेड करंटली हर एक इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं।